गुड मॉर्निंग क्लास वन, लेक्चर नंबर 8, मैथ्स, यूनिट नंबर 2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट नंबर 2 में आपको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम करवाया। आज हम फाइंड द रिमाइंडर करेंगे। ओके, लुक एट देयर, आई हैव वन कलर पेंसिल, ठीक है। मेरे पास कितनी? एक कलर पेंसिल है। अगर मैं इसमें से कुछ भी नहीं निकालूंगी, यानी मेरे पास एक ही रहेगा, तो मेरे पास कितनी कलर पेंसिल रहेंगी? वन कलर पेंसिल। ओके, नाउ लुक एट देयर, आई हैव हाउ मैनी कलर पेंसिल? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक निकाल लेती हूँ तो मेरे पास कितनी बचती हैं? 1, 2, 3, 4। सो आपने देखा कि एक को निकालने से या एक नंबर निकालने से क्या चीज़ बचती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहले हमारे पास कितनी कलर पेंसिल थी? 5, और अब कितनी रह गई हैं? 4, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 कलर पेंसिल हैं और इसमें से मैं मज़ीद एक और निकाल लेती हूँ, मेरे पास कितनी बचती हैं? 1, 2, 3, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि एक एक कम करने से एक नंबर ही कम होता जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ कम टू द बुक, लुक एट देयर, व्हेन वी हैव नथिंग एल्स टू सब्ट्रैक्ट 1, वन में से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम 1 में से 1 निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यानी एक ही कलर पेंसिल है और आप अपने इसको टेक आउट कर दें तो आपके पास कितनी कलर पेंसिल बचती हैं? 0। यहाँ पर अगर आपके पास 2 कलर पेंसिल हैं, लुक एट देयर, ये 2 कलर पेंसिल या 2 लाइंस हैं आपके पास, और आप इसमें से एक निकाल लेते हो तो आपके पास कितनी बच गई? 1। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है? 4, मैं 4 लाइंस लगा रही हूँ, 1, 2, 3, 4। इसमें से कितना? एक को मैं टिक आउट कर दूंगी, बाकी कितने रह गए? 1, 2, 3। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन बुक पे ही करने हैं, ठीक है। इसको बुक पे ही आप लोगों ने करना है, बुक पेज नंबर 5 है, ठीक है। ये आपका क्लास टास्क है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होम टास्क है। ओके, थैंक्स।